भारत यह ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न जगहों पर एक नई जगह, एक नया संस्कृति और एक नई भाषा का एहसास होता है। भारत में इसी कारण से कुल मिलाकर 29 राज्यों का निर्माण हुआ है तथा उसी में से एक अद्भुत और वीरों की भूमि कहे जाने वाले राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जो विभिन्न प्रकार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो बिना समय के वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर एक, वैसे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को माना जाता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह लगभग 382,229 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नंबर दो, राजस्थान के लगभग हर शहर को रंगों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जयपुर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं उदयपुर सफ़ेद रंग के नाम से, तथा जोधपुर नीला और झालावाड़ की पहचान बैंगनी कलर है। नंबर तीन, थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा साझा करता है। यह रेगिस्तान लगभग 1,20,000 वर्ग मील में फैला है, जिसका 90% हिस्सा राजस्थान में है और बाकी पाकिस्तान में। नंबर चार, राजस्थान कई सारे प्राचीन किलों का एक शहर है। उदाहरण स्वरूप जयपुर में हवा महल, उदयपुर में लेक पैलेस, जोधपुर में उम्मीद भवन पैलेस और डेल्टागढ़ में देवीगढ़ पैलेस जैसी बड़ी संख्या में किले हैं जो भारत के गौरवशाली प्राचीन इतिहास की निशानियां हैं। नंबर पाँच, किलों की इस श्रृंखला में एक किला है जिसका नाम है भांगड़ का किला, जो कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। 17वीं शताब्दी में भारत के राजघरानों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे दुनिया की सबसे भूतहा जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि भारत पुरातत्व संरक्षण की तरफ से लोगों को रात में इस जगह पर प्रवेश करने की मनाही है। नंबर छः, हमें चीन की दीवार के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजस्थान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है जो कि कुंभलगढ़ किले की एक दीवार है। यह 36 किलोमीटर तक लंबी है। नंबर सात, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म राजस्थान के मंदोर शहर में हुआ था, इसीलिए कई लोग रावण को राजस्थान का जमाई भी मानते हैं। नंबर आठ, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का हस्तशिल्प बाजार पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बाजार है? यहाँ आपको जगह जगह रंग बिरंगी और सुंदर कलाकृतियों से सजा हुआ बाजार देखने को मिलेगा। नंबर नौ, राजस्थान कभी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा हुआ करता था। यह बात बीकानेर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काली बंगल से पता चली है, जो शायद दुनिया के सबसे पुराने हैं। नंबर 10, राजस्थान के पाली में स्थित ओम बन्ना शाह की मंदिर अन्य सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। इस मंदिर की विशेषता यहाँ भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल और उसके साथ रखी ओम सिंह राठौर की फोटो है, जिसकी लोग पूजा बड़े आस्था और मन से करते हैं। नंबर 11, जिस तरह भगवान श्री राम के भक्त हनुमान थे, ठीक उसी तरह अजमेर के बजरंगगढ़ में भी हनुमान जी का एक भक्त वानर रूप में सामने आया है जिसका नाम रामू है। रामू वर्षों से हनुमान जी के इसी मंदिर की पहरेदारी कर रहा है। रामू पूरे दिन बजरंगगढ़ की पहरेदारी करने के साथ साथ तिलक लगवाना, मंदिर की घंटी बजाना, गिलास से उठाकर पानी पीना, बालाजी की भजन पर नृत्य करना जैसे अद्भुत क्रियाकलाप करता है। रामू पूरा समय मंदिर में ही रहता है, यही खाता पीता और सोता भी है। नंबर 12, मंदिरों की शिल्प कला के लिए विख्यात किरांडू मंदिर के बारे में आप सभी को पता ही होगा। यह मंदिर लगभग 900 साल से वीरान है। दिन में यहाँ तो चहल पहल होती है
परंतु संध्या होते ही लोग यहाँ दिखाई नहीं पड़ते, साथ ही यह पूरा गांव खाली हो जाता है, क्योंकि यहाँ की लोगों की मान्यता है कि सूर्य अस्त के बाद यहाँ के लोग पत्थर के बन जाते हैं। इस पूरे टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 13, अजमेर से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक गांव, जहां रात के अंधेरे में कोई जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि यहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आपके आसपास चल रहा है। इस गांव में अंधेरा होते ही महिलाओं की बात करने की आवाज़, उनके चूड़ियों और पायल की आवाज़ आपको हमेशा सुनाई पड़ते रहते हैं। नंबर 14, संसार भर में जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर में ही स्थित है। मान्यता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अनेकों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। ब्रह्मा जी का यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे औरंगजेब छू तक नहीं पाया। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर के साथ ही सुंदर और पवित्र झील भी है, जिसे पुष्कर झील कहा जाता है। नंबर 15, माँ करणी देवी का विख्यात मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जोधपुर रोड पर गांव देशनोक के सीमा पर स्थित है। यह चूहे वाले मंदिर के नाम से पूरे देश दुनिया में विख्यात है। इस मंदिर में आपको हजारों की संख्या में चूहे देखने को मिल जाएंगे। ऐसा मान्यता भी है कि किसी श्रद्धालु को अगर यहाँ सफ़ेद चूहे की दर्शन हो जाए तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आप सभी को बताया राजस्थान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही साथ हमेशा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक जरूर करें।